अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि हम पिछले दो व्लॉग्स में मस्तूज से पावरी यार खून और फिर वहाँ से यार खून लश्कर का एक लंबा सफ़र कर चुके हैं, तो आज के इस व्लॉग में हम फाइनली ब्रोगल वैली पहुँच जाएंगे। व्यूवर्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गूगल मैप रूट की रसाई सिर्फ यार खून लश्कर तक है। यहाँ से आगे रोड्स कहाँ से ब्रोगल वैली और लश्कर गाज तक जाएंगे, आप ये अंदाज़ा किसी मैप पर नहीं लगा सकते। शायद ये सफ़र जल्दी तय होता हो, लेकिन टू व्हील पर हमें मस्तूज से ब्रोगल वैली तक दो दिन का सफ़र करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ ब्रोगल वैली पहुंचेंगे, बल्कि उससे आगे सफ़र करते हुए लश्कर गाज पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, तो आइए चलिए मुलाहजा करते हैं आज के इस व्लॉग में। यार खून लश्कर, ले जी, अब एक दौराहे में आ गए। हम लोग जैसे ही यार खून लश्कर में दाखिल हुए, हमारे सामने दो रास्ते थे। यहाँ कोई मुकामी मौजूद नहीं था कि जिससे हम मालूमात लेते, सो हम लोग रास्ता भटककर मैदान की तरफ आ गए। दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में सफर का एक सिंपल पैटर्न है कि यहाँ रोड्स के लिए रास्ता पहाड़ों से लिया जाता है। दरमियानी रास्ता यहाँ तो वैलीज के लिए होता है, यहाँ पे दरिया के लिए। यह रास्ता ना सिर्फ गलत था, बल्कि आगे जाने पर कुछ खतरनाक भी था। खैर, अब जो होगा वो आपके सामने है। यही है वो एक बंदा आगे जा रहा है, वो आगे पता नहीं अब क्या करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह करें। पैर ऊपर रखिएगा, पत्थरों में आके मुड़ जाते हैं पैर। ठीक है, जाने दे। नहीं नहीं, ये ऊपर चढ़ना हमने। हाँ जी, ठीक है ठीक है, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, यही है। रास्ता चेक करें आप, यहाँ से गुजर के जाना है और वो सामने ट्रैक ऊपर जा रहा है। अब पता नहीं ये सही रास्ता है या गलत रास्ता है, लेकिन रास्ता यही है। चलें चलते हैं, चलें मंसूर भाई, फिर अल्लाह का नाम लेते हैं। लें जी, चले सीधा ही जाने दे, सीधा वो ट्रैक की तरफ जाए। आई गेस वी टुक अ रॉन्ग टर्न, लेकिन खैर चढ़ तो रहा है ऊपर। यार खून लश्कर, अभी एक रास्ता ऊपर चढ़ रहा है और एक ये सीधा जा रहा है। चलें जी। तो ये सही रास्ता था, हम आ गए थे उस रास्ते से, यानी कि पानी वाले रास्ते से। वो गलत मैं गाइड हुआ हूँ उधर से, क्योंकि वो रास्ते का जो यार खून लश्कर का बोर्ड लगा हुआ था वो इस तरफ का इशारा दे रहा था, तो
तो हम आ गए गलत रास्ते, सही रास्ता ये है। तो अब हम जा रहे हैं यरखून लश्की चेक पोस्ट पे वापस अपने एनओसी देने, क्योंकि हम चेक पोस्ट से बिना क्रॉस हो गए आगे आ चुके हैं। तो अब जाके वापस एक तो यरखून लश्की पे अपनी एंट्री करवाते हैं एनओसी दे के, और यहाँ के मुतलका थाने को बताते हैं। और ये इसलिए है कि अगर आप आगे जाते हैं और आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता हादसा होता है तो ये लोग आपको रेस्क्यू करते हैं, इसलिए ये करना ज़रूरी है। ये देखें, हम यहाँ से आए हैं ये वाले रास्ते से पहले, जो कि गलत रास्ता है। कितना अजीब रास्ता है यार, कितना गलत रास्ता था यार। चलो अच्छा खैर, ले जी यही रास्ता है, यही रास्ता है, यहीं से गुजरना है। बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ मैं, है आ जाए, इजी है, आ जाए, यही रास्ता है। दोस्तों ये वो रास्ता है जहाँ से हम भटके हैं, हम चले गए थे नीचे, हमें आना चाहिए था ऊपर, हम उस वाले रास्ते पे चले गए थे। तो ये लगा हुआ है उनका पुलिस स्टेशन का बोर्ड, और उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ये है ना थाना पुलिस स्टेशन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक है, सब खैरियत। ये फ्रंटियर कॉर्प्स की जो चेक पोस्ट है वो पीछे है क्या आगे, वो सामने है। अच्छा, हमारे पास एनओसी हैं और हमें ताकीद की गई थी कि एक आपको देना है एक उनको देना है। ये ले सर, हम काफ़ी आगे से वापस आए हैं, वहीं पे जा रहे हैं अब। लें जी, फ्रंटियर कॉर्प्स वाले तो यहीं मिल गए हमें, तो उनको यहीं भी दे देते हैं एनओसी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या सलाम, खैरियत खैरियत भाई। हम फिर ऊपर से घूम के वापस आए कि यार ये चीज़ आपको देनी है, ठीक है जी, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। हमने एनओसी की कॉपीज दे दी हैं, अब हम ऑफिशियली आज़ाद हैं आगे जाने के लिए, चलें भाई जान। ये देखें ना जी, नीचे से ये सारा पत्थरों वाला रास्ता जो हम क्रॉस करके ऊपर आए हैं। लें जी, ये पहाड़ों के ऊपर से रास्ता जा रहा है, तो हम पहाड़ों के ऊपर से जाएंगे अब, और लश्करगाह जो है वो अब यहाँ से 3 घंटे का सफ़र है। अभी हमने यारकुन लश्त जो है वो क्रॉस किया है, और उसमें थोड़ी सी मिसहैप भी हुई हमारे साथ, वो आपको पता ही क्या हुई है। खैर, गामजन है अब आगे। दोपहर के इस वक्त तकरीबन 2 बज चुके हैं, और 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे का जो सफ़र है वो आगे अभी मज़ीद लश्करगाह ब्रोगल वैली तक है। तो बस बाइक चलाते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि जल्द हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। यारकुन की वादी को पीछे छोड़ अब हम आगे निकल आए और एक खुले मैदान में सफर करने लगे। यहां से अब हमारा अगला पड़ाव ब्रोगल की वादी में होगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ घंटों का सफर दरकार है। यहां आपके हौसले का मुकाबला फासलों से होता है। चलो दूर दूर तक फैले ये कठिन रास्ते जिनसे हम बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन मैं और मंसूर भाई हर कठिनाई से जूझते आगे बढ़ते चले गए।
एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है जी। नहीं जान दो ले जी, ये आगे एक पतला सा पूरा लकड़ी का, एक मिनट कोशिश ना करें, मैं आ रहा हूं। चले चढ़ जाएगी, चले चले चले। गेयर से निकाले, दिस इज माय टर्न टू क्रॉस दिस पाथ। काफी ऊंचा है, अल्लाह अकबर। थोड़ा सा बैग जाके आता हूँ, थोड़ा सा जोर बना के गाड़ी का यहां से। चढ़ गई ठीक है, चढ़ गई ठीक है। आ जाए ऊपर, आ जाए। आपने ना, मेरा ख्याल है गलत रास्ते से गुजर गए थे वो। ठहरो भाई ठहरो, इधर से लेके पीछे जाएं वापस। सही है, ये फट्टा तो ठीक नहीं है जी। ठहरे 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 मंसूर भाई, ना जोर लगवाए, ठहरे। आए वापस, ऊपर से नहीं हम गुजर रहे, मैं नीचे से गुजर रहा हूँ क्योंकि ये खतरनाक है और ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, अगर उससे व्हील उछला तो सीधा नीचे, इसलिए मैं दूसरी तरफ से आ रहा हूँ। हाँ जी चले, बिस्मिल्लाह चलें जी। जबरदस्त गिरे तो नहीं? हाँ, अब ये हमारी असेसमेंट होती जा रही है ना, वापसी पे ये वाले काम करेंगे ना। चले आगे आ जाए। यार खून लश्त में हमने दो गलतियां की, एक तो गलत रास्ते का चुनाव किया और दूसरा हम दोपहर का खाना खाए बिना यारकून से आगे निकल आए, जिसका खमियाजा ये था कि अब ब्रूवल तक कोई ऐसी जगह नहीं आएगी जहां रोटियां दस्तियाब हों, और आगे आने वाले रास्तों में एक के बाद एक चैलेंज था जहां हमारा पूरा जोर लग रहा था। लेकिन हौसलों में कोई खलफशार नहीं था, हम इतनी दूर बिना मंजिल पाए वापस जाने के लिए नहीं आए थे। जबरदस्त, अल्लाह अकबर, चैलेंज, वाओ। ये थ्रू आउट आ रहे हैं, ओए ओए। एक बार तो पूछती है ब्रोगल वैली के किधर आ रहे हो भैया, ओए ये चीज। चलो जी
तेज हवाएं। जबरदस्त, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीरा। वालेकुम सलाम, क्या हाल? खैरियत? ठीक है। अच्छा चले ये दे दे, बड़ा जूस का डब्बा। कौन सा दिखाएं, कौन से वाला है? हाँ ये दो दे दें बस। जी ऐसी जगह पे कुछ खाने पीने के लिए ऐसी दुकान का होना बहुत ज़रूरी है। कितने पैसे? जी भूख से तंग आए मंसूर भाई और मैं, कुछ खाने के लिए ले लिया तो आगे निकल गए। आपके लिए कुछ खाने को लाया हूँ। ऐसे सही है, ले आए। वो उधर था पीछे कुछ छोटा सा स्टोर, मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें खाने के लिए पकड़ लो। खाएं, बिस्मिल्लाह करें, खोलें इसको। मंसूर भाई तो गिर पड़े। क्या हुआ मंसूर भाई, भूख लगी हुई है ना? भूख सख्त लगी है। सुबह 6 बजे का नाश्ता किया, फजर के टाइम ना, 6 बजे बाद, 6 बजे का। अब वो यार खुन लाश से अगर कुछ हमें पता होता ना इस तरह का सीन, बस वो पता नहीं कब निकालने आपने खुश्क में वहाँ जाते बता। कोई नहीं कोई नहीं, खाएं, अल्लाह ख्याल करेगा। लेन जी यार खून लश तो कुछ खा गए, आगे कुछ नहीं मिलना। बोतल भी खाली करके ना मुझे दे दें, इसमें रख देता हूँ, इधर ना फेंकिएगा। ले जी खा पी के फ्रेश हो गए हैं मंसूर भाई भी, अब ज़रा थोड़े ताकत में आ गए हैं। ले जी मंसूर भाई भी ग्रेट, वेरी गुड यार, 48, वेरी गुड यार। ये जान नहीं है जितनी वो मार रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त है यार। ये कोई आसान काम नहीं है जी, प्रोग्रेस का ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर जब इतनी तेज़ धूप और इतना मुश्किल ट्रैक हो तो हिम्मत बस हो ही जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर भाई दी ग्रेट की हिम्मत बस नहीं हुई, जा ही जा रहे हैं माशाल्लाह। अगेन ब्रिज क्रॉस करके आ गए हैं। ये दो रास्ते हैं, एक नीचे इस गांव की तरफ जाता है, अब ये जो नीचे रास्ता है ये गर्म चश्मा और ब्रोगल वैली। अब तकरीबन यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता है ब्रोगल वैली का। पूरी बाइक घूमती है, पत्थर इतने घोल हैं नीचे। इट्स वेरी मच चैलेंजिंग रोड, बहुत चैलेंजिंग रोड है। और मज़े की बात है आगे से चढ़ाई आ रही है। ओके ये भी किस कैसे कर रही है, ये पेंचर तो नहीं हो गया। मंसूर भाई रुकना एक मिनट, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है,
सही है, चले। ये जी कुछ बेहतर हो गया काम। गुड, अभी एलिवेशन पे सांस भी बहुत चढ़ती है। सुभान अल्लाह, ओए ओए ओए, कितने हैबतनाक पहाड़ हैं यार, दो हैकल, अल्लाह अकबर। सलाम अलैकुम। चलो जी, वे टू ब्रोगल वैली, पथरीले रास्ते, मुश्किल सफ़र, और बस हम ही हैं इधर, ना बंदा ना बशर, दूर दूर तक कोई नहीं है। ले जी, ये कोई पुल आ गया। चलो जी, क्या व्यू खुला भाई, सामने ब्रोगल है, यानी कि ब्रोगल का आखिरी गांव। ये टोटल सारा ब्रोगल है, पीछे जंगल है, चश्मा, और ये ब्रोगल, ये यहाँ के मुकामी है। देखें कैसे भगाते हैं बाइकें। लें दोस्तों, अब यहाँ पर हम करेंगे कुछ जलपान, खाना खाएंगे, कुए माउंटेन व्यू, गेस्ट हाउस, गरम चश्मा, ब्रोगल, हर किस्म की सहूलियात दस्तियाब है। चलिए, इंटरनेट हो, ओए ये क्या है, यौ का सिर है, PGUHUCH, गूगल जी। यहाँ से खाते हैं खाना और फिर चलते हैं आगे लश्कर घास की तरफ। यहीं पर खड़ा कर देते हैं इस बाइक को,
ये देखें जी, ये पैर शूज में इस तरह के हो गए जैसे बूढ़े आदमी के होते हैं। लेकिन ये नज़ारा देखें आप, वाह है ना खूबसूरत। जी तो दोस्तों ब्रोगल पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से आगे हमने जाना है लश्कर घास। लेकिन इससे पहले यहाँ पे खाना खाएंगे, थोड़ा फ्रेश होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आगे जाएंगे लश्कर घास, जो कि यहाँ से एक डेढ़ घंटे का सफ़र है। काफ़ी हैवी ट्रैक करके आए हैं जैसा कि आपने देखा ही है, और शूज़ तकरीबन ख़राब हो चुके हैं। अब ज़रा सूख जाएंगे तो पहनना इनको आसान होगा। ब्रोगल में हम इस वक्त मौजूद हैं और खाना आ चुका है, और ये मुकामी है यहाँ पे, और मैंने सोचा कि पहले यहाँ पे खाना खाएं और फिर इंशाल्लाह आगे कुछ करते हैं लश्कर घास की तरफ। ये है जी हमारा सालन जो हम लाहौर से फूड कैनिंग करवा के लाए हैं। ये चाय का सामान है और ये है नज़ारा। दोस्तों हम यारखून लाश से सफ़र करते हुए आखिरकार ब्रोगल चश्मा पहुँचे। यहाँ एक ब्रीफ स्टे के दौरान खाना चाय और रेस्ट वगैरह करने के बाद हम यहाँ से आगे लश्कर घास की तरफ गामजन हुए। तकरीबन शाम 4:30 बजे का वक्त था और यहाँ लोकल्स की दरियाफ्त मालूमात पर ब्रोगल चश्मा से लश्कर घास 2 घंटों का सफ़र होना था। लेकिन ये अंदाज़ा कितना सही साबित होता है, चलिए देखते हैं। खाना यहाँ से खा चुके हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये कुए माउंटेन है, तो ये ब्रोगल में मौजूद है। तो अब हम बढ़ने लगे हैं लश्कर घास की तरफ, जो ये ब्रोगल चश्मा से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर है। अब देखते हैं हम कितने बजे पहुंचते हैं। घंटा डेढ़ हमने यहाँ पर स्टे किया है, थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, खाना वगैरह खाया है, चाय वगैरह पी है, और अब फ्रेश होने के बाद कोशिश है कि रात होने से पहले पहले हम लश्कर घास पहुँच जाएँ। ये पहली चढ़ाई आई है लश्कर घास की तरफ, चश्मा ब्रोगल से हम कूच कर रहे हैं। होए 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 होए, क्या तेज़ी है। होए होए लें जी, ये पुल से होते हुए लश्कर घास की तरफ आप निकलते हैं। ये है जी कुए माउंटेन, और ये वाकया इधर चश्मा ब्रोगल वैली से इसका जो बेस कैंप है वो जा रहा है। ट्रैक उधर से जाता है गैस, वो जहाँ पे ग्लेशियर है। ये न्यूली बिल्ट है, ये देखें वो पहले वाला पुराना पुल है। ये अपने आप बना है, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट मैं पीछे से आपको पुश करता हूँ, चले चले लगाएंगे रीजी। मैंने जकड़बंद लगाया हुआ पीछे, चढ़ गई है। चलो यार अल्लाह तेरी ख्याल करे। ब्रोगल फेस्टिवल लिखा हुआ है इधर, और ये जो है ना फ्रंटियर कोर्स उन्होंने लगाई हुई है। 144 विंग्स उनका कोई कोड नेम है। Okay.
अल्लाह यार, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग व्यू। वो जो चेक पोस्ट वाला रास्ता है ना, हमने वहां पे जाना है। मैं आके देखता हूँ। वो सामने चेक पोस्ट है, उसको हमने NOC देना है और उसके बाद फिर हमने नीचे आना है। सुभानअल्लाह, ध्यान से उतराई बड़ी हैवी। ये तो आते हुए पता लगेगा ना हमें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जबरदस्त जी। और मेरे CNSE साथ लिखा हुआ है जी। मैं देता हूँ आपको, सिर्फ दो बंदे। वो ऊपर नहीं जाना, ये नीचे से ऐसे सीधा। चलें ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओए, किस तरह पानी का बहाव है यार। तो वाह, चढ़ाई ही चढ़ाई। हाय 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 यार, ये कहाँ पे आ गए हम। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, खूबसूरत है यार, माशाल्लाह। सुभानअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है, सब खैर। इधर से लश्करगाह कितना दूर है? लश्करगाह 40 मिनट में पहुंच जाए। अच्छा, ये आपकी मोटरसाइकिलों की दुकान है? चलें, कोई मसला हुआ तो फिर आपको जेन में रखेंगे, अभी तो ठीक चल रही है। चलें ठीक है, फिर पहुंचते हैं हम रोशनी में। 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे यार। सुभान अल्लाह यार, बेफिक्र हो जाए, मैं आपके पीछे पीछे ही हूँ। नहीं चल रही है, लेकिन वो आगे बस्ता आया हुआ है। अब जाएं बस यार, इजी होके जाएं, मैं देख रहा हूँ आपको। इतना अंधेरा नहीं हुआ अभी, टेंशन ना लें, अल्लाह का विर्द किया हुआ है, टेंशन ना लें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, खैर वफियत से पहुंच जाएंगे, टेंशन ना लें। बस एक रिदम में जाते रहें। आपने मुश्किल हासिल नहीं ले लिया।
एक ये जा रहा रास्ता सामने, ये पता नहीं किधर को जा रहा है। सेकंड टाइम हम रास्ता भटक गए हैं, यहाँ से ये दुकानी मिले हैं, ये हमें कह रहे हैं कि आपको शॉर्टकट से मैं ले जाता हूँ, मेरे साथ साथ हैं, हमें वो वाला रास्ता लेना चाहिए था नीचे वाला, लेकिन हमने ऊपर वाला ले लिया। से जाएगी कि नहीं, चलो खराब सा बैच है, मेरा ख्याल है ना। दरवाजा पास उतरो, एक मिनट मैं आप हूँ फंस गए आप, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सीधी जगह पर खड़ी करके आना, एक मिनट में सुन गई मैं अगर छुट्टी तो मैं भी गया, एक मिनट ठहरो आ गया मैं, एक मिनट बस, थैंक यू यार, अच्छा चले चले भाई को उधर रेस्ट दे। ले जी ये था रास्ता और हम चले गए थे गलत, शुक्र है अल्लाह का एक रिश्ता मजबूत था वहाँ पर, बहुत भला किया भाई, आगे आए मंसूर भाई आगे आए, रोशनी की ज़रूरत है तो मैं आगे रहता हूँ है? अल्लाह खैर करेगा यार, जो अब हो गया हुआ ना उसको छोड़े, बस आगे का अल्लाह खैर करे, बस छोड़े जो हो गया, शुक्र है अल्लाह का यार ये बंदा हमें मिल गया, नहीं तो हमें समझ ही नहीं थी लगनी कि क्या करे और क्या ना करे। देखें जी ये सामने कोई ग्लेशियर आया मेरा ख्याल है या पानी आया, पानी है पानी है, पत्थर आए आगे बड़े बड़े, बड़े प्यार से निकालो यहाँ से आप, आ जाए हाँ जी, पेट्रोल तो नहीं जाया हुआ, नहीं नहीं बैठो बैठो रोशनी में फायदा लो, निकलो बैठो आप ना पीछे पे, पीछे से धक्का लगाए एक मिनट अभी नहीं चले, मैं आगे खड़ी करता हूँ अब मैं आपको धक्का लगाता हूँ, ये बड़े पत्थर से हैं,
चलो जबरदस्त हो गया। चलो चल बढ़ते चले आप। सलाम वालेकुम। आगे ना चढ़ाई है मंसूर भाई। हाँ जी, बस थोड़ा जोर बना के आना गाड़ी का, और ना जिधर इधर से आना पहाड़ वाली साइड से आना, आगे से ना आना, मैं ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। चलो इधर खड़ा हूँ मैं, आ जाए। बस अब आपने रेस नहीं तोड़नी, भजन गियर तो निकालें। कौन सा गियर डालना हुआ? पहला नहीं है ये। ओके दोस्तों, बस यहाँ से अब ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का रास्ता है लश्कर घास का। अभी थोड़ी थोड़ी सी रोशनी है, चढ़ाई है ये। मैं हूँ अब तक इतने आज तक रहा हूँ चढ़ाई भी अब तक रोता है, कल मेरी भी रोटी थी। ठहरे जोर ना लगवाए, क्लच पे उड़ा लेनी है आपने। मैं आता हूँ ठहरे, नहीं सबर लेना आपने। हाँ कर ले दो फिर आप बात, यहाँ पे क्लच प्लेट उड़ा लेनी है आपने, जब मैं दे रहा हूँ आपको आके हाथ। की हो गया यार तेन, कद नहीं घबराए। चलो चलो कितने जा रहे हो जान दो।